बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेजेस का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हाफ में हमने फर्स्ट थ्री रीजंस पर बात की जो स्टूडेंट्स को फेलियर की जानब ले जाती हैं। अब हम नेक्स्ट थ्री वजूहात पढ़ेंगे जो स्टूडेंट्स के फेलियर का बायस बन जाती हैं। इनमें हम देखेंगे कि किस तरह फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो स्टूडेंट्स को फेलियर की जानब ले जाता है, और फिर हम बात करेंगे कि किस तरह वो स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो फेलियर का शिकार क्यों हो जाते हैं, और फिर हम बात करेंगे ऐसे लेज़ी ब्लफर्स की, ऐसे स्टूडेंट्स की जो सिर्फ फ़न के तौर पर कॉलेज में जाते हैं और जिस तरह जाते हैं वैसे ही निकल आते हैं, वो कैसे फेलियर का शिकार होते हैं, हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम चंद सिनोनिम्स पर बात करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कशन होगी। स्टूडेंट्स के फेलियर की फोर्थ रीज़न फाइनेंशियल प्रेशर है, यानी कि वो अपने हिस्से का कमाना शुरू कर देते हैं। बट दे शुड नॉट बी कॉम्पेल्ड, उन्हें मजबूर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके नतीजे में उनकी ज़िंदगी भी पुअर होगी और उनकी हेल्थ भी पुअर होगी, और उन्हें वालदैन की जानब से मुकम्मल तौर पर कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा ज़िम्मेदार नहीं होता बल्कि वालदैन ज़िम्मेदार होते हैं इस बच्चे को दुनिया में लाने के। इसलिए वालदैन को ही चाहिए कि वो अपने बच्चे के अखराजात पूरे करें। और बाद स्टूडेंट्स जो हैं इंटायरली ऑन देयर सोर्स, मुकम्मल तौर पर ही अपने अखराजात खुद उठाने के लिए कहा जाता है। ही कैन अर्न ओनली हिज पार्ट, एक तालिब इल्म सिर्फ अपने हिस्से का ही कमा सकता है। लेकिन बास स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो अपने हिस्से से ज़्यादा कमा रहे होते हैं ताकि वो अपने वालदैन की मदद कर सकें। फिर वो ऐसी जॉब्स करते हैं जो शाम 6 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक चलती हैं, और अगर वो अपने अखराजात पूरे ना कर सकते हों तो बास स्टूडेंट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि वो अपना खून बेचकर भी अपने अखराजात पूरे करते हैं। इस तरह एक्सीलेंट एबिलिटी जो है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे होते हैं, और क्यों ज़्यादातर टाइम जॉब्स में गुजर जाता है इसलिए वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फेलियर की फिफ्थ रीज़न एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़, सो कॉल्ड ब्राय नाम। स्पोर्ट्स हैव देयर प्लेस इन कॉलेजेस, खेलों का भी अपना एक मुकाम है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें गेट आउट ऑफ मेन टेंट, यानी कि वो कॉलेज की तालीम से निकल जाएं एंड बिकम प्रोफेशनल, और वो पेशावर खिलाड़ी बन जाएं। अगर उन्हें सही तरह रहनुमाई दी जाए दे विल नॉट बी अफेक्टेड, तो उनकी तालीम पर भी असर नहीं होगा, यानी कि स्पोर्ट्स और स्टडी इसमें बैलेंस होना चाहिए। सो इट इज़ नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ फेलियर, इसलिए ये फेल होने का इतना भी सीरियस काज नहीं है। लेज़ी ब्लफर्स, यानी कि गंवार किस्म के लोग भी फेलियर का शिकार हो जाते हैं। दे ड्रिफ्ट इन टू कॉलेज एंड ड्रिफ्ट आउट ऑफ कॉलेज, यानी कि वो खाक छानने के लिए कॉलेज में आते हैं और इसी तरह कॉलेज से निकल जाते हैं। दे टेक नो सीरियस इंटरेस्ट इन स्टडीज़, वो पढ़ाई में सीरियस इंटरेस्ट लेते ही नहीं हैं। इनका इलाज क्या है? लेट देम रिटायर, कि उन्हें छोड़ देना चाहिए टू कोल्ड वर्ल्ड, इस जालिम दुनिया में, ताकि उन्हें पता चल सके कि निकम्मे लोगों की इस दुनिया में डिमांड क्या है। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो लर्न कर जाते हैं, सीख जाते हैं एंड स्टार्ट टू फर्स्ट रेट वर्क, और वो बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। बट बर्डन ऑफ प्रूफ, लेकिन ये साबित करना उनके लिए एक बर्डन होता है। ऑन द होल अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो डीन जो है कॉलेज का, उसमें डायग्नोस्टिक एबिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि उसमें ऐसी सलाहियत होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सके। अगर वो ऐसा कर रहा है
तू अपनी जॉब ऐसन तरीके से निभा रहा है। रिसेप्टिव, तेज तरार, शार्प, ही हैज आ रिसेप्टिव माइंड। कंसेंट, इजाजत देना, परमिशन। ही वुड नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन। कंपेल, मजबूर करना, फोर्स। ही इज कंपेल्ड टू अर्न मनी। इंटायरली, मुकम्मल तौर पर, फुली। मैनी बॉयज आर कास्ट इंटायरली ऑन देयर ओन वे। हर्ट रेंडिंग, दर्दनाक, पिटीफुल। इट इज अ हर्ट रेंडिंग स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल, मंजर, नजारा, साइट। इट इज अ हर्ट रेंडिंग स्पेक्टेकल। एलिविएट, कम करना, लेसन। कॉलेजेस आर ट्राइंग टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ फेलियर। ब्लफर्स, गंवार, फ्रैंक। अ फ्यू लेजी ब्लफर्स ड्रिफ्ट इन टू कॉलेज। ड्रिफ्ट, खाक छानना, स्ट्रॉल। अ फ्यू लेजी ब्लफर्स ड्रिफ्ट इन टू कॉलेज। कोल्ड वर्ड, जालिम दुनिया, क्रूएल वर्ड। लेट लेजी ब्लफर्स रिटायर टू कोल्ड वर्ड। बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत फ्राहम करना, ड्यूटी। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन देम। फाइनल वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स? आंसर, सम स्टूडेंट्स हैव टू अर्न टू मीट देयर कॉलेज एज वेल एज हाउस एक्सपेंसेस। इन दिस वे दे वेस्ट देयर टाइम डूइंग सो। दे डू नॉट गिव प्रॉपर टाइम टू स्टडी। एज अ रिजल्ट दे फेल। सच केसेस आर फाउंड इन आर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेजेस? आंसर, इफ स्पोर्ट्स आर हर्डल फॉर स्टडीज, इट शुड बी एलिमिनेटेड। देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन स्टडी एंड स्पोर्ट्स। बॉयज हु आर टू मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, दे शुड बिकम प्रोफेशनल्स। क्वेश्चन नंबर 7, सम स्टूडेंट्स ज्वाइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट, शुड दे बी अलाउड टू स्टे? आंसर, नो, they should not be allowed to stay in college. They should be given warning later. They should be struck out from college. इस लेसन में हमने फेलियर की नेक्स्ट 3 reasons, फाइनेंशियल प्रेशर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स और लेजी ब्लफर्स पर बात की। फिर हमने चंद synonyms डिस्कस किए और क्वेश्चन आंसर्स पर बात की। इनके मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आंसर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।